हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वेंटी निराला। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निराला कंप्यूटर में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे व्हाट्सएप के जो न्यू अपडेटेस हैं, जो व्हाट्सएप ने अपने प्राइवेसी पॉलिसी में अपडेट किए हैं, उसकी वजह से आप लोगों को जो परेशानियां हो सकती हैं उसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन इसका अल्टरनेटिव मैसेंजर, इंस्टेंट मैसेंजर ऐप जो सिग्नल है, इसका रिव्यू कैसा है, क्या क्या फीचर्स हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि सिग्नल ऐप को आप अगर एंड्रॉयड यूज़र हैं तो अपने प्ले स्टोर से सिंपल से यहाँ पे अगर इसका सिग्नल टाइप करेंगे, ठीक है, इस तरह का से अगर आप सिग्नल टाइप करेंगे तो सिग्नल प्राइवेट मैसेंजर आ जाएगा, ठीक है। चूंकि मैं इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ अपने सिस्टम में, लेकिन अभी तक इसको लॉगिन मतलब अकाउंट अभी तक नहीं बनाया हूँ, लेकिन इसको किस तरीके से बनाना है उसके बारे में देखेंगे। अगर आप लोग आईफोन यूज़र हैं तो अपने ऐप स्टोर से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसका एंड्रॉयड यूज़र हैं तो प्ले स्टोर से ही इसको इंस्टॉल कर लिए हैं। अब इसको ओपन करके इसके बारे में देखेंगे क्या क्या फीचर्स हैं इसमें, ठीक है। जैसे कि आप लोग फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो इस तरीके से इसका इंटरफेस होगा। इसको आपको कंटिन्यू कर देना है, फिर आपको जो प्राइमरी नंबर सेट होगा मतलब प्राइमरी सिम स्लॉट में लगा होगा उस नंबर को ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप उस नंबर को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। और फिर चलिए मैं इसको सिंपल से इसको कर रहने देता हूँ, इसी नंबर से मेरे को चलाना है तो इसको नेक्स्ट में क्लिक कर टैप करता हूँ, फिर ये लोडिंग ले लेगा और ऑटोमेटिक मोबाइल में OTP आके इसको रीड ऑटो रीड करके ये लोडिंग ले लेगा, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं अब यहाँ पर अपने को इंटर योर पिन नंबर अपने को सेट कर लेना है अगर करना चाहें तो, ठीक है। या फिर ऊपर में आप देख सकते हैं स्किप का ऑप्शन दिया हुआ है, तो चलिए मैं इसको अपना पिन नंबर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, अपना पिन नंबर से बना लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में ये लोडिंग ले रहा है, ठीक है। जैसा कि देख सकते हैं ये जो है ये ऑटोमेटिक इस तरीके से ले लेगा। यहाँ पे आपको जो जो आपके डिफ़ॉल्ट डिवाइस में होगा उन सारे चीज़ों को यहाँ से ले लेगा, ठीक है। तो इसमें अगर देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इंटरेक्टिव इसका फीचर्स है, इंटरफेस है बहुत ही अच्छा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि न्यू चैट के लिए जो जो आपके यूज़र अकाउंट में कॉन्टेक्ट में सिग्नल ऐप को यूज़ करते होंगे उसका यहाँ पे सर्चिंग करके ऑटोमेटिक ये ले लेगा, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको इनवाइट भी कर सकते हैं, अगर किसी को इनवाइट करना चाहते हैं तो न्यू ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें फीचर्स देख सकते हैं आप, यहाँ पर आप सिंपल सा इसको कैमरे के आइकन में टैप करके किसी को अपना जैसे डॉक्यूमेंट शेयर करना हो या फिर इमेज शेयर करना हो तो इसको शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे अपना यूज़र प्रोफाइल वाले आइकन में अगर टैप करेंगे यहाँ पर प्रोफाइल में देखेंगे तो फिर यहाँ पर आपने को देखने को मिल सकता है प्राइवेसी में क्या क्या दिया गया है इसके बारे में देखेंगे। अगर इसको आप अपने डिफ़ॉल्ट SMS ऐप के थ्रू अगर यूज़ करना चाहें तो उसको भी यहाँ पर ऑन करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राइवेसी में हम लोग देखेंगे क्या क्या है। यहाँ पर स्क्रीन लॉक है, फिंगरप्रिंट के लिए है, ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इसको ऑन करेंगे तो स्क्रीन लॉक इन एक्टिविटी टाइम आउट ये चालू भी हो जाएगा, कितने समय तक मतलब अपने सिग्नल ऐप को ऑन रखना चाहते हैं, फिर उसके बाद ये लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा चीज़ दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन सिक्योरिटी, ठीक है। ये स्क्रीन सिक्योरिटी क्या होता है, जैसे इसको अगर मैं ऑन कर देता हूँ ना तो इस सिग्नल ऐप के थ्रू कोई मान लीजिए मैं किसी को मैसेज करता हूँ तो वो भी स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएगा, और ना कि मैं भी अपने किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से या फिर मोबाइल के फीचर के वजह से स्क्रीनशॉट ले ही नहीं सकता, ठीक है। ये बहुत ही प्राइवेसी फीचर्स है। इग्नोटेड कीबोर्ड है, कीबोर्ड का भी आप पर्सनलाइज लर्निंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ कुछ ये भी है बहुत ही अच्छा, ब्लॉक यूज़र भी है, ठीक है। यहाँ पर टू स्टेप वेरिफिकेशन का भी है, रजिस्ट्रेशन लॉक है, ठीक है। ये भी एक चीज़ और मैं बताने वाला था, जैसे कि यहाँ पर
चैट मीडिया वाले सेक्शन में कहाँ पर है, ठीक है। बाकी आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू के जैसा ही है बाकी चीज़। इसमें स्टेटस वाला जो व्हाट्सएप में आप लोग मिस करेंगे उसको यहाँ पर व्हाट्सएप का नहीं दिया है। यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा था, डिसअपेयरिंग वाला, ठीक है। जैसे मैं किसी भी अपने यूज़र्स से देख सकते हैं, इतने सारे लोग सिग्नल ऐप यूज़ करते हैं, ठीक है। सिग्नल ऐप इतने सारे यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए मैं इसी बंदे को मैसेज करता हूँ, ठीक है, हेलो करके ये मैसेज किया, ठीक है। और इस डिसअपीयरिंग है, यहाँ पर वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, वॉइस कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। मीडिया वगैरह सारी चीज़ यहाँ पर, इमोजी वगैरह शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जो बात करने वाला था यहाँ पर डिसअपीयरिंग मैसेज के बारे में, ठीक है। डिसअपीयरिंग मैसेज व्हाट्सएप में अभी अपडेटेस की वजह से वो भी आया है, लेकिन उसमें 7 दिन दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही खास दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए किसी को, बंदे को आपने मैसेज किया, तुरंत तो सीन करके 5 सेकंड 10 सेकंड आप जितना टाइम सेट करना चाहें उतना समय तक आपको उसको सेट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं इस बंदे को डिसअपीयरिंग मैसेज में सेट किया 5 सेकंड, ये जो मैं अभी हेलो मैसेज करके इसको किया हूँ ये देखेगा ये, फिर उसके बाद 5 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिक ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर टाइमर भी स्टार्ट हो चुका है डिसअपीयरिंग का, ठीक है, देख सकते हैं। चलिए मैं दूसरे बंदे को यहाँ पर मैसेज करके दिखाता हूँ, जैसे कि चलिए किसी एक को देख लेते हैं। चलिए इसको मैं मैसेज करता हूँ, ये हर बंदे के लिए अलग अलग उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी जैसे डिसअपीयरिंग को भी मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया, तो खासकर ये चीज़ बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। ये भी बहुत ही अच्छा है आपके डेली यूजर्स के लिए, ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। सिग्नल ऐप जो है वो बहुत ही अच्छा है इस प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से, तो आशा करता हूँ, मैं तो यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग भी यूज़ कीजिए। और व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी, मतलब कहना चाहिए ये अपने ऊपर हावी होते जा रहे हैं, तो इसको यूज़ न करके हम लोग अल्टरनेटिव मैसेज, इंस्टेंट मैसेजिंग के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।